हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान क्रिएशन। तो आज हमने एक डीजे के लिए मिक्सर बाय किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला जो मिक्सर है, ये एकदम बजट रेंज में आता है और एकदम गर्दा मिक्सर है। इसको आप लाइव परफॉर्मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, साथ में इसको डीजे में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका डिटेल जानते हैं, और साथ में इसका लास्ट में टेस्टिंग भी करेंगे। हमारा जो न्यू 1215 जो हमारा बन के रेडी हुआ है, उस पर हम लोग टेस्टिंग करेंगे और आपको दिखाते हैं क्वालिटी ये मिक्सर का। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो को लाइक का बटन दबा के लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको ये मिक्सर कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मिक्सर को यहाँ से हम ओपन कर देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर टेप लगा हुआ है, देखो इसको फाड़ दिए और इसके बाद में इसको ओपन कर देते हैं। तो ये देख सकते हो, ये हमारा जो कि मिक्सर फाइनली ओपन हो चुका है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक कार्टून देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हटाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो कि हमारा वारंटी कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड की तरफ से यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नेम, और साथ में यहाँ पे एक कोड नंबर भी दिया हुआ है जो कि मिक्सर पे भी लिखा हुआ होगा। चलिए अब इसको साइड करते हैं, और साथ में यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा आ गया मिक्सर। चलिए इसको ओपन कर देते हैं। पहले तो यहाँ पॉलीथीन लगा हुआ है, पॉलीथीन में से बाहर कर देते हैं इसको। तो ये देख सकते हो, ये आ गया हमारा जो कि स्ट्रेंजर का SM1200E, जो कि 12 चैनल का एक मिक्सर है, और बहुत ज़्यादा आजकल ये यूज़ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बजट रेंज में आता है। ये मिक्सर आप खरीदोगे तो आराम से आपको 10,000 से लेके 12,000 के बजट के बीच में आपको ये मिक्सर देखने को मिल जाएगा। चलिए मिक्सर के बाद में यहाँ पर आपको एक पावर एडेप्टर मिलता है, जिससे कि हम पीछे में कनेक्ट करके और यहाँ से हम जो कि लाइन में देंगे 220 वोल्ट में, और ये मिक्सर के पीछे में कनेक्ट होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख सकते हो ये वाला वॉल्यूम उठाने वाला है यहाँ पे, देखो सब में। अभी इसका टेस्टिंग भी आपको करके दिखाएंगे, साथ में यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, कितना हाई रखना है, कितना मिड रखना है, कितना लो रखना है। साथ में यहाँ पे देखो एक इको का भी यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर कोई भी लाइव प्रोग्राम में अगर आपको इको चाहिए, तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हो इको को। और ये देखो ऊपर में यहाँ पर आपको जो कि मोबाइल जैक लगाने वाला मिल जाता है सिस्टम, और यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो। यहाँ पे 12 माइक आप यूज़ कर सकते हो। ये मेन आउट है, यहाँ से आपका जो कि कनेक्शन जाएगा मशीन के अंदर में, और फिर मशीन का कनेक्शन जो कि स्पीकर में जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे टेस्टिंग करके देखते हैं, और यहाँ पे देख सकते ये जो कि आपको आउटपुट लेवल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पीछे में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो ये देखो ये वाला मॉडल और कोड नंबर जो कि हमारा ये वारंटी कार्ड में भी लिखा हुआ रहता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखते हो यहाँ पे, ये देखो मॉडल और कोड नंबर आप मिलाओ यहाँ पे SA1365786, और वही देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मिक्सर के पीछे में SA1365786। देखो दोनों सेम है, मतलब ये ओरिजिनल है, और ये कोलकाता का है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे लिखा होगा इसका एड्रेस भी कोलकाता। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता। चलिए अब यहाँ पे इसका टेस्टिंग करके देखते हैं, और आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ से ऑन हो जाएगा, और इसमें जो कि ये पावर लीड लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है एडेप्टर, ये वाला इसमें लगाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इसको मैचिंग करके यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा लग गया, उसके बाद में इसको कस देना है। ये देख सकते हो ये हमारा पावर लीड जो कि टाइट हो चुका है। चलिए अब इसका मशीन में लगा के आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं, इस पर सॉन्ग प्ले करके भी आपको दिखाते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको एक हेडफोन का भी यहाँ पे जैक देखने को मिल जाएगा, इसमें आप हेडफोन लगा के यहाँ पे आवाज़ भी सुन सकते हो कि कैसा आवाज़ आ रहा है। और ये ब्लूटूथ वाला है, यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लूटूथ लिखा हुआ है। इसको यहाँ से दबा के आप ब्लूटूथ ऑन करके मोबाइल से कनेक्ट करके आप इसमें गाना बजा सकते हो। ये ब्लूटूथ वाला हमने लिया है, तो इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मिला है, नहीं तो आप नॉर्मल लोगे तो उसमें 1,000 कम मिल जाएगा। चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि इसका आवाज़ कैसा है मिक्सर का। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कि मशीन आ चुका है SPB4K, इसका अनबॉक्सिंग हमने किया था पिछली वीडियो में, तो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने SPB4K का कनेक्शन यहाँ पे पीछे से कर दिया है बोर्ड में, और ये यहाँ पे देख सकते हो ये स्पीकर का मदद से यहाँ पे हमने ये पीछे में कनेक्ट कर दिया है स्पीकर को। ये देख सकते हो यहाँ पे ये स्पीकर का वायर यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, और ये हमारा जो कि ये रेडी हुआ है ये कैबिनेट, और इसमें स्पीकर भी हमने डाल दिया है। इसमें हमने तगड़ा वाला स्पीकर दिया है, जो कि ये पूरा रूम को हिला दे रहा है। अभी मैं अपना स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा ये स्टूडियो को हिला के रख देगा मैं जब इसको बजाऊँगा, तो आप लोग देखिएगा। तो देखिए आप क्या करना है, यहाँ पर ये आ गया 4K, तो ये वाला जो मिक्सर आपको दिख रहा है इसको यहाँ पर रख देना है। देखो ये मैंने मशीन के ऊपर में रख दिया ये मिक्सर को, इसको सीधा से रख देते हैं।
अब इसका पीछे वाला जो ये एडेप्टर है इसका कनेक्शन कर देना है लाइन में। तो ये देख सकते हो ये वाला जो प्लग है इसको हम दे देते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पे इसको हम बोर्ड में कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो ये देख सकते हो गया और यहाँ पे ऑन कर देते हैं। तो अब ये हमारा मिक्सर यहाँ पे देख सकते हो इसमें लाइन आ गया है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे पावर बटन है, इसको आपको क्लिक करना होगा। तब ये देख सकते हो यहाँ पे फाइनली जो कि लाइन आ चुका है, यहाँ पे पावर बटन देखो जल चुका है। अब क्या करना है, अब मिक्सर का कनेक्शन एम्पलीफायर में करना है। तो इसके लिए आपको कुछ जो कि तो इस तरह का आपको जैक टू जैक ले लेना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को यहाँ पे एक साइड को ये मिक्सर में यहाँ पे लगा देना है। ये देखो ये मेन आउट में यहाँ पे हमने लगा दिया, राइट में और एक लेफ्ट में लगा दिया। और इसका जो दूसरा छोर है इसको मशीन में डालेंगे। तो ये देखो मशीन के पीछे में यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चैनल ए और चैनल बी करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक को यहाँ पे चैनल ए में डाल देते हैं और एक को यहाँ पे चैनल बी में डाल देते हैं। तो ये हमारा जो कि मशीन से लेके यहाँ पे ये मिक्सर में कनेक्शन हो गया है। अब इसके बाद में आपको एक मोबाइल लीड चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे हम जो कि एक नंबर पे लगा देते हैं लाइन में। और इसको यहाँ पे ये दूसरा वाला जो छोर है ये वाला देख सकते हो, ये मोबाइल में लगेगा या फिर लैपटॉप में भी आप लगा के यहाँ पे बजा सकते हो सॉन्ग को। तो चलिए आपको अब टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप यूज करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो रखा हुआ है। तो ये लैपटॉप को यहाँ पे पहले तो लेके आते हैं। तो ये देख सकते हो ये आ चुका है हमारा लैपटॉप। तो ये लैपटॉप को यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला देख सकते हो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। और ये देख सकते हो यहाँ पे हम जो कि सॉन्ग प्ले करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे माई फाइल्स में और जाके यहाँ पे कोई भी एक सॉन्ग को हम आपको बजा के सुनाते हैं। तो चलिए ये वाला सॉन्ग को बजाते हैं। देखो ये वाला सॉन्ग हमने प्ले कर दिया और ये लैपटॉप को नीचे रख देते हैं। और लैपटॉप को नीचे रखने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये मशीन में अभी लाइन नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो मशीन में लाइन आ चुका है। अब इसके बाद में थोड़ा सा आवाज़ इसका उठा देंगे, ये ए नंबर का, इसका देखो ये मैंने आवाज़ उठा दिया। अब इसके बाद में मिक्सर से कंट्रोल होगा। ये देखो अब यहाँ से मैं सॉन्ग को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अब ये देखो ये वाला जो नॉब है इसको यहाँ पे उठाना होगा। देखो ये देख रहे हो ये बज रहा है बहुत ज़्यादा, ये बॉक्स जो कि वाइब्रेशन दे रहा है। यहाँ पे देखो मैं भाई साहब देखा आपने, ये थोड़ा सा ही उठाने पे कितना ज़्यादा ये वाइब्रेशन दे रहा है। देखो बहुत ज़्यादा इसमें बेस है भाई, कान में लग रहा है। ये देख सकते हो ये हमने एक टॉप बस बजाया है और इसमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है। मैंने फर्स्ट चैनल पर लगाया था, चलिए अब इसको सेम हम दूसरे चैनल पर लगा के देखते हैं। ये सेकंड चैनल पर लगाने के बाद इसको भी आवाज़ उठाते हैं, ये भी बज रहा है देख सकते हो। यहाँ से लैपटॉप से थोड़ा सा आवाज़ कम करते हैं क्योंकि लैपटॉप का क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन निकल रहा है इसमें से। ये देखो वाइब्रेशन आप लोग सुनो कान में हेडफोन लगा के। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन एक ही बॉक्स से निकल रहा है, तो सोचिए जब हम लोग चार बॉक्स तैयार कर देंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जब 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम चारों को एक साथ आपको बजा के दिखाएंगे और साथ में बड़ा वाला पिकअप पे भी लोडिंग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो कि खर्च हो रहा है, बहुत लंबा खर्चा हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। Sick of being alone.